आप पता लगाओ, मैं तो आपके ऊपर जोड़ दिया हम लोगों ने कि आप एक घंटे में पता लगा दो। अगर थाने की गलती नहीं है, थानेदार की गलती नहीं है, तो हम बिल्कुल उस समाज से हैं, ठीक है ना। जैसे सतीश कोम की बात करते हैं, पर हम उस समाज से हैं कि हमने दूसरे के लिए, दूसरों के लिए बलिदान दिया है हमारे व्यक्ति ने, ठीक है ना। किसी की लड़ाई थी, किसी के खेत में थी, पर हमने कहा कि ये भूपेंद्र जी भाई आप फालतू झगड़ा क्यों करते हैं। इस तरीके से जैसे हमारे वीर नेताजी ने अपना बलिदान दिया ना, इसी तरीके से बलिदान दिया है। प्रोतों के खेत में झगड़ा हुआ था, न कि हमारे दांतों के कोई आपस की या दांत मुसलमानों की लड़ाई थी, ठीक है। अपने घर जा रहे थे और इनकी गलती से मर्डर हुआ है। अगर आपकी जांच के अंदर ये आ जाता है कि ये बिल्कुल जो है हमारे थाने की कोई तरह की मतलब गलती नहीं है और थानेदार की कोई तरह की गलती नहीं है, उसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमारी ये मुकदमा जो दिया है ना गीता जी को, ये बात कर लेंगे और हम हमारी गोली ले देंगे। ना आपको पत्थरनामा बनाने की जरूरत है, ना हमारे हमारे साथ हमारी कोई मदद करने की जरूरत है, हम हमारा पत्ता खुद लेंगे, ठीक। दूसरी बात, एक घंटे के अंदर अगर आपको लगे अपनी ईमानदारी से कि वास्तव में मेरे थाने के थानेदार ने गलती की है, तो सबसे पहले आप थानेदार को सस्पेंड करने के बाद ही हमारे से वार्ता करो। उससे पहले आप वार्ता करने की कोई जरूरत नहीं, आप अपना काम करो। एक ही बात, पुलिस अगर हम गलत है तो FIR वापस लेंगे, ये जवाब बिल्कुल एक ही बात, एक ही बात, और बोडी उठा के ले जाएंगे। सब इस बात पे कायम, मैं कह रहा हूँ एक ही बात है, कोई दूसरी बात नहीं है। हम सब न्याय पूरा समाज सतीश कोम हमारे साथ है, ठीक है ना। ये कुछ मुसलमानों से हमारी कोई रिश्ता है, ठीक है ना। मुसलमान तो हमारी दोस्ती है, उससे प्लस आपने अभी जो वार्ता की थी उसके अंदर आप कह रहे हो कि उसके नकीर आ गई थी, उसको उसने उल्टी का रूप दे दिया, उसका दे दिया। देखो ये पूरी पूरी पुलिस की गलती रही। अगर वास्तव में उस बंदे की लगी थी तो आपको इनको अरेस्ट करना चाहिए था। अगर ये अंदर होते, पुलिस कस्टडी में होते, तो मर्डर नहीं होता ना, जमानत करवाने थे। जैसे हमने जमानत, जैसे मान लो तहसीलदार से करवाई, तो मजिस्ट्रेट से करवाने में इतना ही टाइम लगता ना। इनकी ये मजिस्ट्रेट से उसको तो किया नहीं, पाबंद किया हमको, किया तहसील से जो है इनको पाबंद है, उसको पाबंद किया, ये पाबंद है। पाबंद इसी को पता है, पूरी घटना बताई आपको, ऐसे तो पूरी बताई कि ये लोग दोनों पाबंद थे, भंवर सिंह और ओम प्रकाश। इनको पाबंद करके, पाबंद नहीं किया था, इनकी जमानत हुई है, रिपोर्ट बंद रिपोर्ट दर्ज करवाई, इन्होंने जाकर के तहसीलदार पसपुत्रा से एजेंट से जमानत करवाई। अगर उनकी इतनी लगी थी, आप उसके 151 में उन्होंने जो है बाद में क्या है, अच्छा इनको तो गिरफ्तार किया था, तो फिर उनकी जो आप दो दिन वाली बात कह रहे थे, वो दो दिन भर्ती रहे, दो दिन के लिए तो दूसरा बढ़ा, आप मुद्दा बढ़ाना चाहिए था। मैं यही कह रहा हूँ, आप गलत जा रहे हैं, गलत नहीं जा रहा, सामान्य मार्केट होती है। तीन सौ साढ़े 323 तो वैसे ही लगा थे, उनके खिलाफ मुकदमा है नहीं। बात हो गई, उन लोगों ने मुकदमा भी हमारे खिलाफ लगा दिया। हम जमानत करके घर गए, तो घर जाते ही हमारे को धमकी मिली, धमकी मिलती भंवर सिंह ने थाने में FIR दी, उसकी रिपोर्ट दर्ज की, आप रिपोर्ट दर्ज की, मुझे नहीं पता, आप पता लगाओ, मैं तो आपके ऊपर जोड़ दिया हम लोगों ने कि आप एक घंटे में पता लगा दो। अगर थाने की गलती नहीं है, थानेदार की गलती नहीं है, तो हम बिल्कुल उस समाज से हैं, ठीक है ना। जैसे सतीश कोम की बात करते हैं, पर हम उस समाज से हैं कि हमने दूसरे के लिए, दूसरों के लिए बलिदान दिया है हमारे व्यक्ति ने, ठीक है ना। किसी की लड़ाई थी, किसी के खेत में थी, पर हमने कहा कि ये भूपेंद्र जी भाई आप फालतू झगड़ा क्यों करते हैं। इस तरीके से जैसे हमारे वीर नेताजी ने अपना बलिदान दिया ना, इसी तरीके से बलिदान दिया है। प्रोतों के खेत में झगड़ा हुआ था, न कि हमारे दांतों के कोई आपस की या दांत मुसलमानों की लड़ाई थी, ठीक है ना। इसका पता लगा दो, और कल हुआ गए तो कल इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब धक्के मारने जैसी हो गई। जब छह व्यक्ति महामंत्री जी गए थे मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, तो उनका मुकदमा नहीं लेकर के उल्टे उनको उनका हौसला बढ़ाया, मुसलमानों का हौसला बढ़ाया, और वो अनपढ़ कौम है साहब, वो पढ़े लिखे है नहीं। थाने में जाते क्यों है भाई, उनकी सुन
सुनवाई होगी वहाँ तभी जाता है। कहीं मारना तो बंद कराना है, आपको लगता है कि आपके अगर हमारा आदमी गया है तो हम हमारा भुख देंगे आपके ऊपर पूरा विश्वास। कहते हैं कि आप जो भी हमारे पास लड़ना है।